विद्यार्थियों, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 4 बजे हुए हैं, और उसका भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अभी अभी स्कूल से ये पेपर मुझे भेजा गया है। ठीक है, फोटो खींच करके एक सर ने मुझे ये पेपर भेजा है। देखिए पूरी फोटोज हैं, तो ये खींच करके मुझे भेजा गया है, तो आप सभी के साथ मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। कक्षा 12वीं का पेपर है और 2 बजे आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे संपूर्ण मार्क्स गेन करने हैं 2 बजे, आपको लगता है कि हिंदी में संपूर्ण मार्क्स लाने चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी 23 प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पेपर का पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना ज्यादा एफर्ट इसको लाने में लगा हुआ है। क्योंकि कभी भी मैं इस वीडियो को भी हटा दूंगा, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। तो आप देखिए कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर डला हुआ है। अब यहां से देखिए निर्देश आप पढ़ लेना, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। टोटल यहां पे 6 सही विकल्प रहेंगे, तो सभी 6 सही विकल्प आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो सभी यहां पे 5 रिक्त स्थान आप देख लीजिएगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि यहां पे मैं इनका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहा हूं। देखिए समय नहीं है, इसलिए मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। जी हां, सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 आपकी सही जोड़ियां दी गई हैं, तो सही जोड़ियां आप ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे एक वाक्य एक शब्द में दिया गया है, तो यहाँ तक ही सारे के सारे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे सत्य सत्य दिया गया है, तो सत्य सत्य आप ध्यान से देखिए, महाकाव्य है तक सत्य सत्य आपके हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 तक सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 आपको देखना है, प्रश्न क्रमांक 11 देख लेना है, प्रश्न क्रमांक 12 देखना है, प्रश्न क्रमांक 13 देखना है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 14 भी आप देख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों 15, 16, 17। अब देखिए 16वां और 17वां में आप सभी पूछते हैं कभी परिचय क्या आएगा, तो देखिए तुलसीदास गोस्वामी का आएगा और सुरकुमार त्रिपाठी निराला का किसी एक का आपको लिखना होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक का आपको लिखना होगा। विद्यार्थियों इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो ये 19वां क्वेश्चन रहेगा, 19वां का कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद 21वां देख लीजिए, 20वां निकल चुका है। अब देखिए 22 और 23 में हमेशा से आपका कंफ्यूजन रहता है कि 22 में एप्लीकेशन कौन सी आने वाली है, तो पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को आपको आवेदन पत्र देना होगा, तो एप्लीकेशन भी टफ आएगी आपके, ध्यान से आपको देखना होगा। निबंध जो है आपका स्वावलंबन, समय, सदुपयोग एवं समाचार पत्रों की उपयोगिता से आपका निबंध पूछा जाएगा। तो विद्यार्थियों लगभग पूरा पेपर मैंने दिखा दिया है, जो कि फोटो मुझे भेजी गई थी। अब जल्दी से अपना मोबाइल ओपन कर लीजिए, मैं अपने मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इसका पीडीएफ और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको मिल पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अपने मोबाइल को ओपन करना होगा आपको गूगल में। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर में गूगल रहता है, उसको ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा studynotespj.com। ठीक है, जैसे ही आप studynotespj सर्च करेंगे, सबसे पहला रिजल्ट आपको देखेगा studynotespj.com। पीले कलर का लोगो रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आपको देखेगा नंबर प्लेटफॉर्म, नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है एमबी बोर्ड के लिए बनाया गया है, त्रैमासिक पेपर 2023 के लिए। अब कुछ भी नहीं करना, नीचे आना है, स्क्रॉल करते जाना है, जॉब बाय क्वालिफिकेशन का आपको सेक्शन दिखेगा, इसमें एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर। अब जैसे ही आप एमपी बोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप समझने वाली बात यहाँ से होगी, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित पीडीएफ 2023 का एक तालिका दिया गया। अब इस तालिका को समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं अभी आपको क्लास 12th का बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि 9th, 10th और 11th के लिए प्रक्रिया नहीं होगी, सभी क्लासों के लिए प्रक्रिया सेम होने वाली। जी, तो जिस प्रकार से मैं कक्षा 12 का यहां पे हिंदी का करके बताऊंगा, उसी प्रकार से आप कक्षा 9, 10 और 11 का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों सभी क्लास की यहाँ पे पेपर डले हुए हैं तालिका में, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह होगी कि देखिए विषय के नीचे यहाँ पे विषय दिया गया है, सेट क्लास के नीचे सेट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषय के नीचे यहाँ पे हिंदी दिया गया है, अब हिंदी का कक्षा 12 का यहाँ पे सेट दिया गया है। ठीक है, तो सेट के नीचे देखिएगा यहाँ पे सेट ए और सेट बी दिया गया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सेट बी पे क्लिक करके। ठीक है, हिंदी के सेट बी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेट बी खुल रहा है। इसके अलावा मैं सेट ए पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेट ए खुल रहा है। तो देखिए सेट ए का असली पेपर डला हुआ है, सुबह 4 बजे लीक हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बताया हुआ था, देखिए पेपर डला हुआ है पूरा, देख लीजिए।
यहाँ पे आप जैसे ही और नीचे आएंगे तो पूरा पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर डला हुआ है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको आना है स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पे देखिए टाइमर चल रहा है। जैसे ये टाइमर समाप्त होगा तो हरे कलर का डाउनलोड बटन आएगा, तो विद्यार्थियों हरे कलर का डाउनलोड बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ चुका है यहाँ पे देखिए हरे कलर का डाउनलोड बटन। लेकिन अभी आपको इस पे क्लिक नहीं करना है वरना पीडीएफ ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। आपको किसी एक पोस्टर पे क्लिक करना है और इसकी लिंक जो है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाउनलोड बटन में पेस्ट करना है, जब जाके यहाँ पे ये होगा। तो मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ इसलिए मेरा डाउनलोड बटन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही दबाऊंगा तो देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आप लिंक पेस्ट नहीं करेंगे तो पीडीएफ हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कक्षा 12 हिंदी का संपूर्ण सॉल्यूशन डला हुआ है। अब पेपर की बात आती है तो पेपर के लिए आपको ऊपर आना है और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आता है, सेव इन गैलरी, ठीक है, इमेज का। तो ये सारी इमेज आप गैलरी में सेव कर लेना तो आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी नोट्स पीजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी पीडीएफ मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।